वेलकम टू माई चैनल स्टडी हब 99. एज यू नो दैट आई रियली पोस्ट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू द साइंस एंड स्पोकन इंग्लिश. एंड टूडे आई वॉन्ट टू अपलोड वन मोर वीडियो विच वॉज लिंक टू माई प्रीवियस वीडियो हुज लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज द चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आई हैव लेफ्ट in my that video. So I'm going to complete that topic. The first topic is order of magnitude. It means any approximate size of something which can be expressed in powers of 10. इसे हम order of magnitude कहते हैं. जैसे कि for example we have to estimate the volume of water stored in a dam, कि हमारे dam में कितना पानी stored है, या हमें approximate number of flats निकालने हैं दुबई city में for example. So उसके लिए हम एक order of magnitude use करते हैं. So I will show this by an example. After calculating the mass, I got 1 into 10 की power 53. अगर यहाँ पर 10 की power minus 31 आता है, तो यहाँ पर minus 31 और 10 की power 1 है, तो we will get 10 minus 30 kg. तो यहाँ पर जो 9.1 है, उसको हमने 10 ले लिया, और 10 minus 31 वैसे ही रहा, it becomes 10 minus 30 kg. It means order of magnitude, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रियल वैल्यू देखते हैं, देन इट विल बी 9.1 इंटू 10 माइनस 31 केजी. बट अगर हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें कि वो कितनी रेंज में आती है, तो वी विल कैलकुलेट ओनली द 10 पावर्स. तो पावर्स ऑफ 10 में इसका आंसर आएगा 10 माइनस 30 केजी. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ 1.59 इंटू 10 की पावर 53 केजी. बट अगर हम 1.59, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हम इसे 1 ही मानेंगे, एंड सिंस इट इज़ 1.5 इट मीन्स लेसर देन 5, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे. वी विल गेट 10 की पावर 53. इट मीन्स जो यूनिवर्स का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 53 केजीज है. देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज प्रिसीजन. प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इट मीन्स की लिमिट जिससे कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट ए ने 3.6 सेकेंड्स लिए, बी ने 3.69 सेकेंड्स लिए रीडिंग लेने में, और सी ने 3.695 सेकेंड्स लिए, तो सी जो स्टूडेंट है वो मोस्ट प्रिसाइज है, क्योंकि उसने वैल्यू ज़्यादा वैल्यूज तक दी है, यानी कि उसने एक्यूरेट वैल्यू को बताया है. देन अबाउट दी एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है हमारी मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल मास का ट्रू वैल्यू है 25.67 केजी, और स्टूडेंट ए ने मेजर किया है 25.61, वेयर एज बी स्टूडेंट ने 25.65 किया है. तो सिंस 25.65 इज़ वेरी क्लोज टू 25.67, तो स्टूडेंट बी को ही हम एक्यूरेट बोलेंगे. देन देयर इज एलसी ऑफ टाइम. इट मीन्स द टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. डू यू नो दैट देर इज़ अ रिस्ट वॉच जिसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, एंड देर इज़ अ स्टॉप वॉच जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड. फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू कि लीस्ट काउंट होता क्या है. लीस्ट वॉन्ट वो होता है जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, जहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं. तो रिस्ट वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड और स्टॉप वॉच का 0.01 सेकेंड्स होता है. वेयर एज अगर हम मास की बात करें वेइंग स्केल का, तो वेइंग स्केल का लीस्ट काउंट 1 kg होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 1 ग्राम होता है, यानी कि हम उसको 1 ग्राम से उसका वे कर सकते हैं. देन देर इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी किसी चीज़ की लेंथ निकालना. फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रू गॉज है, जिसको मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया था कि हम लेंथ किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सेंटीमीटर से मेजर करने हैं तो हम सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करते हैं, मीटर को में करनी है तो मीटर स्केल को यूज़ करते हैं. बट उससे भी छोटे लेंथ के यूनिट्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, थ्रू स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर. स्क्रू गॉज देखने में ऐसा लगता है इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं और कोई भी चीज़ जो इसके बीच में आ जाती है और उसको रोटेट करते हैं, वहाँ से उसका लेंथ निकलता है. तो इसका सबसे छोटी रीडिंग जो होती है दैट इज 0.01 मिलीमीटर, वेर एज फेरोमीटर के लिए ये 0.001 मिलीमीटर होती है, यानी अगर हम इसको चेंज करें तो इट विल बिकम 1/1000 मिलीमीटर. देन देर इज रूलर स्केल, जिसका आपको पता है लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर. एंड देन दिस इज द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम 0.1 मिलीमीटर तक का से स्टार्टिंग कर सकते हैं. सो लीस्ट काउंट इसका इतना है. अब लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन. सो यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशन. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज़ हाउ टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला.
डायमेंशनल फार्मूला इज़ वेरी इजी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ वीडियो कि हमें कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनाना होता है, और यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो इस फॉर्म में होगा. वो कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया कि कैपिटल टी टाइम पीरियड है, तो यू विल राइट हेयर कैपिटल टी. जिस चीज़ पर भी वो डिपेंड कर रहा है उसको आपने ऐसे लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब डिपेंड कर रहा है लेंथ पे तो आपने एल लिख दिया, और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो आपने जी लिख दिया. अब जिस भी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो 1, 2, 3 इस फॉर्म में होंगी, लेकिन आपको वो नहीं पता कि वो इस फॉर्म में है. इन दैट केस आप उसके ऊपर पावर लगा देंगे ए और बी. हमेशा हर इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटा कर इज इक्वल टू लगाएंगे, और वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम के कहते हैं. के इज़ द कांस्टेंट विच इज़ डायमेंशनलेस. इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट हम लगाते हैं ताकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट सके. अब आपने टी की डायमेंशन जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर उनकी डायमेंशंस लिख देनी है, जो राइट साइड पे चीज़ें दी हुई हैं उनकी डायमेंशंस वहाँ लिख देनी है. फॉर एग्जांपल, उन्होंने हमें बताया कि टी टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का मतलब टी की वैल्यू 1 होगी, लेंथ और मास तो इसमें नहीं होगा, तो टी की डायमेंशंस विल बी L0 M0 T1, वेयर एज एल की डायमेंशन होगी L1 M0 T0, और जी यानी कि ग्रेविटी, और ग्रेविटी की क्या होती है M0 L1 T-2. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ग्रेविटी यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. और जो लास्ट वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे खोलकर देख सकते हैं कि हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. उसके लिए आपको वेलोसिटी के निकालने पड़ेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू में पुट करके यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू में पुट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला. सो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. टाइम की इधर पुट कर दिए, के की कोई वैल्यू नहीं है, इट विल रिमेन कांस्टेंट. इसकी पुट की और इसकी पुट की. एज यू नो कि एल के ऊपर ए था, तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ए आ जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर बी आ जाएगा. देन यू विल सॉल्व इट टर्न वाइज टर्न. लेफ्ट साइड को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड के राइट साइड के लास्ट में हम इक्वल करेंगे ताकि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएं. सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. इसे कैसे सॉल्व करना है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एल की पावर ए. एम की पावर 0 है तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 0. टी की पावर 0 है तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 0. अगर हम इसकी बात करें तो एल 1 है, 1 को बी से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट एल बी. 0 को 2 बी से मल्टीप्लाई करने पर एम की पावर 0, एंड टी की पावर -2 है तो इट विल बिकम -2b. अब आप इसे क्या करेंगे, एल एम और टी उसके ऊपर जो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एल ए है, यहाँ पर एल बी है, तो आप यहाँ लिख देंगे एल और इनकी पावर्स कॉमन लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करने वक्त पावर हमेशा ऐड होती हैं, तो यू विल राइट ए प्लस बी. सिमिलरली एम की पावर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो आपके पास 0 ही ऑप्शन बचता है. वेराज टी की बात करें तो 0 में जब -2b ऐड करेंगे तो यू विल गेट -2b. तो आपकी ये पूरी दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन बन गई हैं. अब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इधर जो एल की पावर है और इधर जो एल की पावर है उनको आप इक्वल करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसकी पावर और इसकी पावर को इक्वेट कर देते हैं. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करने पर टी की पावर क्या है, एम की पावर 0 और इधर भी 0, तो उसकी कोई यूज़ नहीं आएगा. वेरस टी की पावर 1 है और इधर -2b, तो आप -2b को 1 के इक्वल करेंगे. तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2. तो जब आप ये वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ए प्लस बी वाली में, तो यू विल गेट ए की पावर 1/2. अब आप ए और बी की दोनों वैल्यूज़ अपनी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो टी इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2. अब यहाँ पर हाफ ये रिप्रेजेंट करता है, 1/2 जब भी आपके पास आएगा तो उसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट. तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपने ये अंडर रूट का साइन लगाना है जहाँ पर भी ये 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है दिस स्क्वायर रूट. तो एल की पावर 1/2 है तो आपने उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, और जी को भी. लेकिन जी की पावर -1/2 है, इसका मतलब जी नीचे आएगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में तो होगा बट इट विल बी डाउन साइड. तो इससे आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया. तो फर्स्ट जो डायमेंशन इक्वेशन का फ़ायदा होता है, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, कि आप डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन. अब सेकेंड है इसकी एप्लीकेशन, कि हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करें. तो ये भी बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पेपर में आएगा कन्वर्ट कीजिए 1 न्यूटन को डाइन्स में,
कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, या यहाँ पर आपको 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ये भी आ सकता है। तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए, यानी SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि न्यूटन SI सिस्टम है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम है। ऐसे केस में सपोज आपके पास फोर्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो आप फोर्स लिखेंगे और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उससे आप उसका डायमेंशनल फॉर्म यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, निकाल लिया। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू लेंथ का मतलब 1 मीटर, मास का मतलब 1 kg, टाइम का मतलब 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के ऊपर -2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ टाइम के ऊपर -2 है। अब आप उसको CGS में लिखिए, CGS में फोर्स किस चीज़ में होता है, डाइन में, लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, मास किस में होता है, ग्राम्स में, और टाइम सेकेंड्स में ही होता है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमें लिख दिया, देन 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, 1 kg की जगह 1000 ग्राम, और 1 सेकेंड की जगह 1 सेकेंड ही रहेगा। अब आपने इनको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ये तो इससे कट गया, आपके पास ओनली यू हैव 5 जीरोज, इट मीन्स 10 की पावर 5, तो यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप इससे यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूलाज। थर्ड इज़ आप इससे किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ वही एग्जाम में आएंगे, आपको कोई भी आ सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच इज़ गिवन इन द बुक, यू जस्ट हैव टू नो द मेथड ऑफ डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करो। तो अब आपको अगर पता ही नहीं होगा कि एक्स डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कैसे है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही कहते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म डिस्टेंस होता है, यानी अपने घर से किसी और के घर जाने तक का छोटा रास्ता, उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और लंबे रास्ते को यानी जो एग्जैक्ट रास्ता है उसे डिस्टेंस कहेंगे। तो एक्स इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि वो लेंथ ही हुई, तो लेंथ को लेंथ में ही लेंगे, यानी इसका यूनिट हो गया एल। देन देर इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, L1T-1, वो आपने लिख देने हैं, और टाइम का क्या होता है, टाइम, तो हमने इसका तो लिख लिया, v इंटू टी का सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी का होता है लेंथ अपॉन टाइम, इंटू टाइम वी विल गेट l। देन हमारे पास बचा हाफ AT2, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को अलग से सॉल्व करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो l आया, अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ जिसमें से VT मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आई एम गेटिंग l। अगर मैं AT2 को सॉल्व करूँ तो हाफ तो कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी यहाँ आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं L1T-2, और फिर यहां पर T2, तो T2 से T2 कट जाएगा, यू विल गेट ओनली लेंथ। अब आप V इनका सोल्यूशन लिखिए, एक्स का सोल्यूशन क्या है, L, आप लेफ्ट हैंड साइड L लिखिए, राइट हैंड साइड VIT, यानी कि इसको सोल्यूट करके L आया, तो आप यहाँ L लिखिए, और हाफ AT2 को सॉल्व करके भी L आया, तो L इज इक्वल टू L+L, यानी लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो आंसर 2L नहीं आएगा बल्कि L ही आएगा, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, लेंथ में आप लेंथ ऐड करेंगे तो यू विल गेट लेंथ। तो अगर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ आ गया, इट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो आप डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और ये आपका तभी सही होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे बुक में से देख कर कि किस चीज़ के लिए क्या यूज़ किया, एंड फॉर दैट आपको डायमेंशनल फार्मूलाज को अच्छे से याद करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, क्योंकि ये आने ही आने हैं एग्जाम में। देन आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग कि देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मास। चंद्रशेखर लिमिट्स जो हैं वो सन के मास के भी 1.4 टाइम्स होती हैं, यानी मास यानी किसी चीज़ के वेट को काउंट करने का तरीका, सबसे बड़ी यूनिट जिसे हम CSL भी बोलते हैं, और जब ये एग्ज़ाम में आता है तो CSL के नाम से आता है और बच्चों को पता नहीं लगता, एक्चुअली इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द चंद्रशेखर लिमिट्स, एंड इट इज़ इक्वल टू 1.4 द मास ऑफ द सन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10^30 kg का होता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो मैंने आपको निकालना सिखाया था अगर हम वो चेक करें तो ये 10^30 kg ही आएगा। इट इज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द मास, एंड ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है।
सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मास. एक कुछ और भी हैं जैसे बेबीज़ की, न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो वेट है वो पाउंड्स में हम नोट करते हैं. लाइक 1 pound में अबाउट 0.5 kgs होते हैं. तो कितने पाउंड का बच्चा है? बच्चा होता है ऑलमोस्ट 3 or 2 pounds का होता होगा, मतलब इतने जितने का भी होता है वो पाउंड्स में बताते हैं. एंड 1 pound में 0.454 kgs होते हैं. देन देर इज स्लग्स, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको स्लग्स में काउंट करते हैं. जैसे 1 slug इज इक्वल टू 14.5 kg, यानी 14 kilo के इक्वल एक स्लग होता है. देन देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मास ऑल्सो, जैसे स्टील बार्स, बड़े बड़े जो लोहे के सरिये होते हैं, जो स्टील बार्स होती हैं उनको हम टन में लोड करते हैं ट्रक्स में. तो हम ये नहीं बताते कि इतने किलो है इतने किलो है, हम ये बताते हैं इतने टन लोहा है, इतने टन स्टील बार हमने कैरी किया है. तो 1 metric ton के अंदर 1000 kg, जिसे कॉमनली टन ही बोलते हैं, 1 ton, 2 ton, 1000 ton, 2000 ton, एंड क्विंटल के अंदर 100 kgs होते हैं. जैसे कोई पर्सन अगर 90 kgs का है तो हम कहेंगे शी इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ क्विंटल, यानी क्विंटल की है. तो 1 quintal इज़ इक्वल टू 100 kg, और ये दालों के लिए, ग्रेन्स के लिए यूज़ होता है. देन देर आर सर्टेन टर्म्स प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि एरिया के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा एकड़. दीज आर द लार्ज एरियाज़ जो कि ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ होते थे, और 1 acre में 4046.8 meters square होता है. और अगर हम हेक्टर की बात करें तो ये फ्रेंच सिस्टम में यूज़ होता था लार्ज एरियाज़ के लिए. 1 hectare में 10,000 meters square जगह होती थी. और अगर हम बान की बात करें तो ये स्मॉल एरियाज़ के लिए होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, यानी न्यूक्लियर के छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस के लिए हम बान यूज़ करते हैं. 1 barn में 10-28 meters square होती है. अब आप ये सोचोगे इसके आगे मीटर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? ऑब्वियसली ये एरियाज़ हैं, और एरियाज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ होते हैं. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मतलब दोनों ही लेंथ है, तो मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से जैसे यहाँ पर लिखा है 100 meter into 100 meter, इट बिकम्स 10,000 meter square. सो ये मीटर स्क्वायर इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर द यूनिट्स फॉर द एरिया. देन देर आर सर्टेन यूनिट्स विच आर यूज फॉर द मेजरिंग लेंथ, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने ही आने हैं. फॉर एग्जाम्पल, parsec. parsec का मतलब है वो डिस्टेंस जो कि 1 astronomical unit की आर्क 1 angle का 1 degree का एंगल सबटेंड करते हुए कवर करती है. यानी 1 parsec उस डिस्टेंस को कहेंगे जो 1 astronomical unit की आर्क 1 degree के एंगल पर कवर करती है. ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस का, और ये एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, यानी स्टार्स की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करता है. और 1 parsec की वैल्यू भी आपने याद रखनी है 3.1 × 10^16 meters. देन देर इज़ लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब नहीं है लाइट ईयर, लाइट ईयर एक लेंथ का ही यूनिट है. आप बहुत सरप्राइज होंगे, जो स्टार्स का डिस्टेंस है वो हम लाइट ईयर से करते हैं, यानी ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है. और ये कितना होता है, लाइट एक साल में कितना ट्रेवल करती है, वो 9.5 × 10^15 meters. यानी अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालें तो ये बड़ा है 5 से, तो हम इसे 10 मानेंगे, और 10 × 10^15 इट विल बिकम 10^16 meters, यानी 10^16 meters के इक्वल होता है ऑलमोस्ट लाइट ईयर. देन देर आर प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द लेंथ ऑल्सो, देर इज अनदर विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये अर्थ और सन के बीच का मेन डिस्टेंस है. यानी हम मेन डिस्टेंस का मतलब ये है, जैसे हमारे साल में 2 बार नंबर्स आते हैं स्कूल में, हम उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. उसी तरीके से जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो अलग अलग टाइम पर रिवॉल्व करती है, कभी वो पास होती है सन के, कभी वो दूर होती है. तो हम जितनी 3-4 जगह पर जहाँ जहाँ वो मूव करती है उन सबको ऐड करके उतने टाइम से उतने बार से डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम 4 बार ले रहे हैं कि अर्थ और सन के बीच में क्या डिस्टेंस है, हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम उन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन डिस्टेंस आ जाएगा कि अर्थ सन से कितनी दूर है. और 1 astronomical unit 1.5 × 10^11 meters की इक्वल होता है. राइट, देन देर आर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ जो कि स्मॉल के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम. एक एंगस्ट्रॉम 10-10 meters के इक्वल होता है, और ये एटम्स की डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. और 1 fermi 10-15 meters के इक्वल होता है, और ये न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. सो देर आर सर्टेन मोर थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर दी
डायमेंशनल इक्वेशंस, लेट मी डिस्कस दोज थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, इसलिए मैंने यहाँ लेंथ लिखा और टाइम टी है तो टी से डिवाइड कर दिया. आई विल गेट एल टी माइनस वन, यानी एम जीरो है यहाँ पर. तो आप उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे. यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट्स नहीं बनाई हैं. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और एल के ऊपर वन है. आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते. सो एम जीरो एल वन टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. देन यू कैन ऑल्सो चेक द रिजल्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर v इज इक्वल टू वन बाई टू जी एच स्क्वायर है. v का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इसके यूनिट्स बनेंगे l अपॉन t. अब आपने इसको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है. तो अगर इक्वेशन सही होगी तो दोनों तरफ सेम आंसर आएगा. बट हम चेक करते हैं, जैसे हाफ तो कांस्टेंट है तो उसके लिए कुछ नहीं यूज़ होगा. ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका आएगा एल वन टी माइनस टू, क्योंकि एल ऊपर है और टी टू नीचे. और एच मतलब हाइट, तो हाइट के लिए एल स्क्वायर, तो वी विल गेट एल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है. मोरोवर अगर आपके पास वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आता है, तो वी का मतलब एल अपॉन टी और जी एच का मतलब अंडर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल अपॉन टी स्क्वायर और हाइट का एल, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा. एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट एल अपॉन टी. अब यहाँ पर टर्म्स मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये वैलिड फॉर्मूला है. तो किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखकर, उसे इक्वेट करके. इफ़ यू गेट द सेम रिजल्ट ऑन बोथ द साइड देन द फॉर्मूला इज करेक्ट. इफ़ यू डोंट गेट द सेम रिजल्ट ऑन बोथ द साइड द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. सो बाई डूइंग दिस यू कैन गो टू दी सोल्यूशन. नाउ चेक वेदर द स्पेसिफिक फॉर्मूला और इन इक्वेशन इज होमोजेनस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एस वी इन टू टी के इक्वल दी हुई है, तो एल एच एस क्या है? एस, एस का मतलब डिस्टेंस. रिमेंबर टू यूज़ दिस टर्म, एस का मतलब स्पीड नहीं होगा. जब भी आपको फिजिक्स में स्पीड दी होगी तो वेलोसिटी दी होगी और वो वी दिया होगा. अगर आपको एस दिया होता है तो एस का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा एल में होता है. अगर आप बात करें राइट हैंड साइड की, तो वी का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है एम जीरो एल वन टी माइनस वन. आप एम जीरो को नहीं भी लिख सकते, जैसे इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, और एल वन टी माइनस वन. देन टाइम को टी में लेंगे, वी विल गेट एल, क्योंकि ये टेन माइनस वन है और ये प्लस का वन है, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए, यू विल गेट एल. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमारा इक्वेशन को होमोजेनस बनाता है. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट, यानी डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज विस्कोसिटी फोर्स जो है एफ, इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोमेंट ऑफ स्फीयर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड. विस्कोसिटी का फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बॉल नीचे की तरफ जा रही है जो स्फेरिकल शेप में, और वो फ्लूइड में जा रही है. फ्लूइड मतलब किसी लिक्विड में, और वो डिपेंड किस पे कर रही है. आपने हमेशा ये देखना है कि क्या दिया हुआ है. विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम एन से लिखते हैं. किस पे डिपेंड कर रही है वो आपने राइट हैंड साइड लिखना है. तो किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे, स्पीड पे, वी पे यानी वेलोसिटी पे, एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे. अब आप इन डायमेंशंस को यूज़ करके यहाँ पर ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, और उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, गिवन ये दिया हुआ है, राइट. सो इस तरीके से आप किसी इन्फ्रेंस पर पहुँच सकते हैं. सो आई हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आफ्टर going through that video of mine which I have made previously, उसके बाद आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा, क्योंकि वहाँ dimensional formulas को कैसे बनाना है, I have already explained it in detail, और maximum सारे ही उसमें cover हैं. उसके बाद ही आप इस video को देखिए. Thank you, and please share this video to all those friends who are in need, and also do comment in my comment box. If you are a new viewer, please subscribe to this channel ताकि आपको latest updates मिलती रहें, because I post so many videos about the spoken English and daily vocabulary of ours. Please like my channel and share this video. Thank you.